और आज दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में बम होने की धमकी की खबर आई। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी में कहा गया है कि हम लोगों को इमारतों में दफन कर देंगे। वहीं इस धमकी को जिस ईमेल के जरिए भेजा गया उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल स्कूलों के बाहर पुलिस तैनात है। वहीं बम कॉल पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर कहा, पुलिस कमिश्नर से बात की और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में बम की धमकी पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस को स्कूल परिसर में तलाशी लेने, दोषियों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि मामले में किसी तरह की कोई चूक न हो। डीसीपी नई दिल्ली देवेश कुमार महला ने कहा कि हमने सभी स्कूलों की जांच की है और कुछ नहीं मिला है, घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि कई स्कूलों ने हमसे संपर्क किया, दिल्ली पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया है लेकिन कुछ भी अप्रिय नहीं मिला है। नोएडा पुलिस की ओर से जानकारी भी दी गई है कि नोएडा के सारे स्कूल सुरक्षित हैं। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक करने हैं, किसी में कुछ नहीं है तो कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और कॉल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिए। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसिस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है।